देखिए, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान ने फिरौनियत की सभी हदों को पार करते हुए रामपुर के कमजोर मुसलमानों की जमीनों पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उनके घरों में लूटपाट तक कराई थी। उसके बाद तमाम लोगों ने आजम खान के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और हद तो अब हो गई कि आजम खान अब अपने आप को मजलूम दर्शाते हुए रामपुर से लेकर लखनऊ तक साइकिल रैली निकालना चाहते हैं। अगर आजम खान रैली निकालते हैं, साइकिल रैली रामपुर से लखनऊ लेकर जाते हैं, तो हम भी पीड़ित परिवारों के साथ रथ यात्रा लेकर लखनऊ जाएंगे और राजभवन के साथ साथ मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देंगे। यदि आजम खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम बहुत लंबा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छेड़ेंगे और उसमें तमाम वो पीड़ित परिवार हमारे साथ होंगे जिन्होंने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं। हम तमाम प्रदेश की जनता को दिखाएंगे, एक बस के ऊपर LED लगाएंगे और उसके जरिए हम एक वीडियो चलाकर आजम खान की फिरौनियत का वो मंजर दिखाएंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों के ऊपर आजम ने ढाया था, मदरसों को, कब्रस्तानों को, मस्जिदों को ध्वस्त कराया था। वो पूरी पिक्चर हम पूरे प्रदेश की जनता को दिखाएंगे और जनता को रूबरू कराएंगे, साथ ही आजम की गिरफ्तारी की मांग करेंगे।